मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत से उनके आत्महत्या मामले में ज्ञात लोगों से पूछताछ कर रही है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर केसरी चावड़ा से कल रात ही बातचीत की है। केसरी चावड़ा के मुताबिक रिपोर्ट में पता चला है कि सुशांत डिप्रेशन जैसी बीमारी से ग्रस्त थे और वे रात भर सो नहीं सकते थे। उनके डॉक्टर ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत को रात भर अजीब विचार आते रहते थे। जिस प्रकार मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत का केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है, उसी प्रकार सुशांत के केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ताज़ा खुलासा उनके दोस्त और उनके करीबी मित्र ने किया है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त ने दावा किया है कि सिर्फ अंकिता ही सुशांत को सुसाइड करने से बचा सकती थी, क्योंकि सुशांत अभी भी अंकिता को भुला नहीं पाया था। आपको बता दें कि सुशांत और अंकिता की मुलाकात साल 2011 के पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी, जहां दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त मनदीप सिंह ने दावा किया है कि सुशांत सिंह अंकिता लोखंडा से सच्चा प्यार करता था और वो आज भी अंकिता को भुला नहीं पाया था। मुंबई पुलिस ने अब तक सुशांत सिंह राजपूत के जुड़े कई लोगों से बात की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और सुशांत के डॉक्टर भी शामिल हैं। के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत केस में यशराज फिल्म इंडस्ट्री के मालिक आदित्य चोपड़ा से भी बातचीत कर सकती है। आशा जताई जा रही है कि हफ्ते के अंत तक सुशांत सिंह राजपूत केस में पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हुए स्टेटमेंट देगी। देखना होगा कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस आगे क्या खुलासे करती है। तब तक आप हमारा चैनल न्यूज़ पुल को सब्सक्राइब करना।